आपकी जो पर्सनल जिंदगी है उस जब भी मैंने उसके बारे में आपके इंटरव्यूज देखे या कुछ पढ़ा तो इट हैज़ एन इंस्पिरेशन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ख़वातीन जब कामयाब हों तो हम मर्दों को भी खड़े होकर अपनी इस निश्चित से ताली बजानी चाहिए, क्योंकि मैंने ख़वातीन के साथ पार्टी में भी बहुत काम किया कि 100 मर्द निकालना और एक औरत निकालना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई एम नॉर्मल मीडियोकर पाकिस्तानी। इतने अरसे में आपने जो है ना, मतलब ये तो हमें समझ आ गई कि आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की, बिकॉज यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, और आपको लगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप ऑन अ बिगर स्केल आप चीज़ों को कर सकती हैं। मैंने ग्रास रूट से अपने हल्के का की प्रेसिडेंट बनी, जौहर टाउन की यूसी की प्रेसिडेंट बनी, तो कोई छोड़ा नहीं। अब फिर जनरल सेक्रेटरी हूँ, मसलसल मैं रही हूँ इन पार्टी की तंजीम। जब अगर उस पर आते हैं कि जब आप तरीन साहब को, क्योंकि तरीन साहब वॉज न्यू टू पॉलिटिक्स बट उनका स्टैचर एज अ बिजनेसमैन, और जो ये सेठ बिजनेसमैन होते हैं इनको ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं होती ना, तो क्या उनका रिएक्शन होता था? रिएक्शन ये कि उन्होंने मुझे हमेशा जहाँ मौका मिला रोका, स्नब किया। रोका मतलब इसलिए कि मेरी ग्रोथ को रोका, अगर मैं ऊपर जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं तो उस पर मंजूरी नहीं आई। सो जब ये लोग सोशल मीडिया पे आपके जो वो टाइगर्स हैं या टाइग्रेसेस हैं जो सोशल मीडिया पे लोगों के साथ करते हैं, सो डिड यू एवर हैड एन रिजर्वेशन के जी, और आप क्योंकि इतनी माशाल्लाह बुलंद आवाज़ है, तो आपने कभी खान साहब को जाके कहा कि वी शुड स्टॉप दिस? एक हमारे पार्टी में जो एक कैडर है जो सोशल मीडिया में बड़ा इन है, उनका मसला यही है, चढ़ाते हैं तो आसमान पर चढ़ा देते हैं, फिर उतारते हैं तो बड़ा। देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर टीवी पर।